ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 35 मंत्र 12। ओम सुमित्रिया नहयापः ओषधयः सन्तु दुर्मित्रिया तस्मै सन्तु यो अस्मान् दोष्टियं चा वयं द्विष्मः। बहुत सीधा सरल मंत्र है। सुमित्रिया, सुमित्र अच्छे मित्र, नह हमारे लिए, आपह औषधिया संतु, आपह और औषधिया संतु हूं हमारे लिए, आपह और औषधिया अच्छे मित्र हूं। आपह का अर्थ व्यापक है, बहुत बार आया है, बहुत हम लोगों ने चर्चा की है, आपसे व्याप्त व्याप्त प्राप्त आदि शब्द जैसे बन रहे हैं उसी से अर्थ आप समझ सकते हैं। आप धातु का अर्थ भी व्याप्त होना ये दूसरे रूप में जानना चाहें तो व्याप्त होना, जाना, गति करना, पाना, अवलंब होना आदि के अर्थ है। व्याप्त होने का एक भाव फैलना, विस्तार होना भी ग्रहण करते हैं। और जो ध्रुव पदार्थ हैं जैसे जल मुख्य रूप से, वो आप कहीं भी डालें तो वो फैल जाता है। किसी पात्र में रखा है तो उसके आकार की सीमा में रहेगा। यदि आप कहीं भूमि धरातल पर डालें जल को, तो वो न्यूनतम ऊंचाई ग्रहण करते हुए फैल जाएगा, व्यापक हो जाएगा, व्याप्त हो जाएगा। उसका स्थान सीमित नहीं होता है, अधिकतम व्याप्त हो जाता है। वो संभवता इस गुण को लेते हुए बहुधा आपको मिलेगा कि लोगों ने आपा का अर्थ जल कर दिया है। तो इस प्रकार से भावार्थ किसी ने जल ले लिया है तो ठीक है, शाब्दिक अर्थ तो व्यापक है, वही हमारे लिए उचित है, पर्याप्त है। तो हम कह रहे हैं कि सुमित्रिया ना आपा औषधिया संतु, ये आपा औषधिया जो व्यापक औषधिया हैं, वे हमारे लिए सुमित्र हो, हमारे अच्छे मित्र हो। औषधिया क्या हैं? उषम धारयत इत औषधिया, इस रूप में हम इसको ग्रहण कर सकते हैं। उस धातु का अर्थ ये उष्ण होना, दाह होना है। उष्ण और दाह के अर्थ में हिंसा भी ग्रहण कर लिया गया है। औषधियां उनको कहा है जो उष्णता को, दाह को, हिंसा अर्थात कष्ट पीड़ा को धारण कर सके। यहां धारण करने का भाव आप निवारण करना, ग्रहण कर सकते हैं। हमें कष्ट है और हमने औषधि ली, उस औषध ने उस कष्ट को धारण कर लिया और हम उससे मुक्त हो गए। हमारे कष्ट को जो धारण करके हमको उस कष्ट से मुक्त कर दे, उसे औषध कहा गया। तो कह रहे हैं कि हमारे लिए व्यापक औषधियां सुमित्र हों, अच्छे मित्र हों। आगे कह रहे हैं दुर्मित्रया तस्मय संतु, तस्मय उसके लिए संत हो, दुर्मित्रिया दुर्मित्र। अब ये औषधियां दुर्मित्र भी होती हैं या होनी चाहिए? अब वेद मंत्र इतना स्पष्ट कह रहा है तो हम होते कौन है उसे नकारने वाले? अवश्य होता होगा, तभी तो कह रहा है। वेद से ऊपर तो हम आप नहीं हो सकते। वो कह रहा है दुर्मित्रिया तस्मय संत, उनके लिए ये दुर्मित्र हो। औषधियां हमारे लिए तो सुमित्र हो, लेकिन किसी और के लिए दुर्मित्र हो। ध्यान दीजिएगा, यहां कहा जा रहा है दुर्मित्र हो, शत्रु नहीं कहा जा रहा। उनके लिए हिंसक, उनका हनन करने वाला भी नहीं कहा जा रहा।
दुर्मित्र कहा जाता है। प्रकृति या औषधिया है तो मित्र ही रहेंगे, तो वो मित्र ही। यदि हम सोच विचार कर प्रकृति के अनुकूल जीवन जिए, उसके अनुकूल औषधियों का सदुपयोग करें, तो हमारे लिए वो सुमित्र हैं, अच्छे मित्र हैं। और यदि हम इसका सबका ध्यान न रखें, औषधियों का दुरुपयोग करें, कहां किस औषध का किस मात्रा में कैसे उपयोग करना है इसका ध्यान न दें, तो ये औषधियां दुर्मित्र हो सकती हैं। दुर्मित्र का अर्थ है ना समझ साथी आपका, जो कहीं कहीं जाने अनजाने आपको कुछ हानि भी पहुंचा सकता है। स्वभाव बस अज्ञानता बस कुछ ऐसा कर देगा जो हमारे लिए हानिकारक हो जाए या हितकर हो जाए। औषधियां भी कर सकती हैं, यदि हमने उसका उचित उपयोग नहीं किया तो जिसे कहते हैं पार्श्व प्रभाव साइड इफेक्ट, वो हो सकता है। प्रकृति है हाँ। यहाँ पर एक मौलिक सिद्धांत जान ले, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान से सुन ले, कि जो कुछ हमारे लिए लाभदायक है वो सब हानिकारक भी हो सकता है, ये निश्चित मान ले। जो कुछ लाभदायक है वही हानिकारक हो जाएगा, यदि उचित समय उचित मात्रा उचित रूप में उसका उपयोग न किया जाए। इसको हम कहते हैं कि अग्नि और जल के बिना जीवन संभव नहीं। जीवन के लिए उष्मा और जल दोनों चाहिए, और जीवन को समाप्त होने के भी यही कारण होते हैं। आग में जल गए, पानी में डूब गए, पानी न मिले तो प्यास से जीवन समाप्त हो जाए, उष्मा बिल्कुल न मिले तो शीत में, अभी तो हम लोगों की ये स्थिति है, अगर ये एक सीमा से अधिक बढ़ जाए तो जीवन तो समाप्त। और है ना, उष्मा बहुत अधिक हो जाए तो जीवन जलकर भस्म। तो यहां ये बात संभवता बताने का प्रयास किया जा रहा है कि संतुलन उचित उपयोग महत्वपूर्ण है। सामान्यता प्राकृतिक औषधियों का या आयुर्वेद का कहते हैं इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव नहीं होता, परंतु ये भी सत्य है कि उसकी भी एक सीमा है। ये हमने पढ़ा है आयुर्वेद की पुस्तकों में भी, किसी वैद्य ने बताया कि उन्हें के परिवार में किसी ने सुन लिया, वही कहीं किसी को बता रहे होंगे, उन्होंने सुन लिया कि ये बहुत लाभदायक है, ये फल बहुत लाभदायक है। बोले उसने उस दिन से बस केवल वही एक फल खाना प्रारंभ कर दिया, सारा भोजन छोड़ दिया, वो केवल पपीता खा रहे थे। कुछ समय में उनकी स्थिति हो गई दयनीय, तब पता चला कि परिवार में भी ये स्थिति है। भैया देखो, वैद्य जी ने देखा, उनसे बात की, तब पता चला उन्होंने कहीं सुन लिया था कि पपीता स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, तब से वो केवल पपीता खा रहे हैं। तब वो कह रहे हैं कि उन्होंने फिर धीरे धीरे उनको सामान्य भोजन पर लाए, औषध उपचार किया, धीरे धीरे वो स्वस्थ हुए। बहुत बड़े वैद्य ने अपनी पुस्तक में लिखा है, मैंने पढ़ा था। तो ये भ्रम न पाले, दुरुपयोग होने पर अयोग मिथ्यायोग अतियोग अल्पयोग किसी का भी हो तो वो विपरीत प्रभाव दे सकता है। अब आगे जो बात कही जा रही है वो थोड़ा सा इस औषध के विषय में जो हमने बताया, क्योंकि औषधिया शब्द तो आया ही था इसलिए इस संदर्भ को जान लिया तो हमारे लिए अच्छा ही है। इसके पश्चात जो बता रहे हैं वो और भी अधिक कुछ अलग और महत्वपूर्ण तथ्य है। यानी यो असमान द्वेष की, कुछ लोगों के लिए विवादित हो सकता है, पर जब वेद में स्पष्ट कह रहा है तो हम क्या करें।
हम अर्थ का अनर्थ नहीं कर सकते, इसमें कुछ जोड़ तोड़कर घुमा फिराकर हम कोई अर्थ नहीं कर सकते। यदि किसी ने किया हो तो किया हो हम क्षमा चाहते हैं। जैसे कह दिया दुर्मित्रया तस्मय संतुम, के लिए दुर्मित्र होगा तो होगा, हम क्या करें, वेद कह रहा है तो होगा ही होगा। वैसे कह रहे हैं यो असमान द्वेष्टि, जो अर्थात जो असमान माने हमको, द्वेष्टि का अर्थ है द्वेष करता है, दुष्ट धातु है द्वेष्टि, द्वेष करता है, जो हमको द्वेष करता है। ये दुर्मित्र किसके लिए होंगे, जो हमको द्वेष करता है, जो हमसे द्वेष करेगा उनके लिए औषधियां भी दुर्मित्र हो जाएंगी, निश्चित हो जाएंगी। यम चा वयम दुष्मः, यम अर्थात जिसको, क्या और वयम हम लोग दुष्मः द्वेष करते हैं। जो हमसे द्वेष करता है, जिससे हम लोग द्वेष करते हैं, उसके लिए ये प्रकृति या औषधियां भी दुर्मित्र होंगी। हमने पहले बताया प्रकृति है तो मित्र ही होगी, सुमित्र नहीं तो दुर्मित्र होगी, शत्रु तो किसी के लिए नहीं होगी, इतना तो ठीक है। लेकिन जो हमसे द्वेष करता है, अब जो हमसे द्वेष कर ही रहा है, हम कितने भले और कब तक बने रहें और क्यों बने रहें, एक सीमा के पश्चात हमें भी लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति ठीक नहीं है, थोड़ा सा इनसे अलग रहो। फिर द्वेष की भावना वो आवश्यकता उत्पन्न हो ही जाएगी। तो कह रहे हैं वो उनके लिए ये औषधियां प्रकृति भी दुर्मित्र हो जाएंगी। क्यों भाई, यहां कहा गया है वयम दुष्मः, जिससे हम लोग द्वेष करते हैं, या कोई निजी स्वार्थ नहीं, उसने हमारे किसी स्वार्थ की पूर्ति नहीं की, किसी अनुचित कार्य में हमारा साथ नहीं दिया, कहीं हम कुछ अनुचित लाभ पा सकते थे, उसने हमारा साथ नहीं दिया तो हम उससे द्वेष करने लगे, नहीं। ये व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किया जाने वाला द्वेष वेद स्वीकार नहीं करेगा। ये द्वेष होना अच्छी बात नहीं है, तो वो हमारे लिए सुमित्र नहीं होंगे यदि कोई ऐसा करता है। तो यहां कह रहे हैं हम द्वेष करते हैं, हम सब लोग बहुवचन में है। असमान द्वेष्टि एक वचन में है, जो मुझसे द्वेष करता है। ठीक है भाई, मुझसे द्वेष करता है, वे क्यों करता है, हम आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, किसी का कुछ अहित नहीं कर रहे हैं, अब कोई मुझसे द्वेष करता है तो ये उसका दोष है, और उस दोष का फल ये प्रकृति उसे दे रही है तो अच्छी बात है, मिलना ही चाहिए। लेकिन कह रहे हैं यमचा वयम दुष्मः, जिसको हम सब लोग द्वेष करते हैं। अब हम सब किससे द्वेष करेंगे भाई, विधिगत स्वार्थ हो तो मैं अकेले द्वेष करता हूं किसी से तो ठीक है, उसने कहीं हमारा उचित सम्मान नहीं किया, किसी अनुचित कार्य में हमारा साथ नहीं दिया, हमने उससे कुछ स्वार्थ साधन करना चाहा था उसने नहीं किया। यहां कह रहे हैं हम सब उससे द्वेष करते हैं। हम सब उससे द्वेष क्यों करेंगे, यहां व्यक्तिगत स्वार्थ समाप्त हो गया, समाज हित की बात आ गई। हम सब मिलकर वेद कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज में कुछ अच्छा संदेश देना चाह रहे हैं, वो इसीलिए तो हमसे द्वेष कर रहा है, इससे उसका स्वार्थ बाधित हो रहा है। तो जो इस प्रकार से सामूहिक अच्छा प्रयास करने वालों से द्वेष करता है, प्रकृति उसके लिए दुर्मित्र होती है और होना भी चाहिए। कैसे होती है, जो इस द्वेष भाव में अंधा होगा, वह कारण हम सबसे द्वेष किए बैठा है, तो कहीं ना कहीं उसकी सोच विचार की शक्ति प्रभावित होगी, वो सही तरीके से विचार कर निर्णय नहीं ले पाएगा। उसको हमसे द्वेष है, हम उसे अच्छी बात भी बताएंगे तो भी वो
कुछ अच्छा भी बताएंगे तो उसको अच्छे रूप में ग्रहण नहीं करेगा। हमसे द्वेष है, इस द्वेष बस वो उसको भी विपरीत ग्रहण करेगा। जब हम उसे अच्छी बात बताएंगे उसका विपरीत वो आचरण करेगा, तो फिर उसका हित होना ही है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है, तो कह रहे हैं दुर्मित्रिया तस्मै संतु, उसके लिए ये प्रकृति ये औषधियां दुर्मित्र हो जाती है। हम उसको उचित बता रहे हैं कि भैया इसमें आप इस औषधि का इस प्रकार इस अनुपान के साथ इस मात्रा में उपयोग करें। अब उनको तो हमसे द्वेष है, हम जो कहेंगे वो उन्हें मानना ही नहीं है, क्योंकि हम कह रहे हैं मत मानो, उसके विपरीत चलो तो उसका फल भुगतो। इसी को कहा है दुर्मित्र या तस्मै संतु, उनके लिए वो दुर्मित्र हो जाते हैं। तो आज की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं, आप लोगों को कुछ बात करनी हो तो कर सकते हैं। कल प्रातः 11 बजे साप्ताहिक सत्र में हम लोग पुनः मिलेंगे, और जैसा कि पुलकित जी ने पहले को संकेत किया है, प्रयास किया जाएगा कुछ और विषय निश्चित हो और भी लोग वक्ता हो, जैसे पहले आचार्य लोकेश जी जुड़े और अच्छी चर्चा हुई, तो कल कुछ और लोग भी हो सकते हैं। जैसा ये कोई व्यवस्था है तो वो पुलकित जी सीताराम जी देखेंगे, और नहीं तो पुलकित जी सीताराम जी या आप सभी लोग अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारा सौभाग्य है, तो आप सब लोग भी किसी विषय पर चर्चा कर सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि चर्चा केवल व्यक्ति विशेष पर मुझ पर केंद्रित हो, कहीं उसमें कुछ थोड़ा सा योगदान हमारा भी हो सकता है तो ठीक है, हो जाएगा। परंतु जैसे पुलकित जी आर भट्टी आदि कुछ अच्छे ग्रंथों पर अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी उसका लाभ लोगों को मिले तो ये भी अच्छी बात है। तो कल ऐसा कुछ बना लें, मतलब वो सभी के लिए है कि उदाहरण के लिए मैंने कहा ऐसे पुलकित जी इतना कर रहे हैं, लोकेश जी जुड़ गए थे और भी लोग आप सब लोग हैं, तो कहने का भाव यही है कि ये तब तक कुछ सोच विचार करके रखेंगे तो चर्चा अधिक सार्थक अधिक उपयोगी हो सकेगी, तो इसका प्रयास कीजिएगा शेष, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ कहना हो तो बोलिए, अन्यथा कल प्रातःकाल सत्र में हम लोग मिलते हैं। ओम स्वामी जी नमस्ते। यहाँ जो शब्द आया दुर्मित्रिया, तो क्या इनको हानिकर मित्र में समझा जा सकता है? हानिकर मित्र यही तो हमने बताया, प्रकृति है तो मित्र ही, लेकिन यदि हम उसका उचित उपयोग नहीं करेंगे तो फिर उसका उचित लाभ नहीं मिलेगा, कुछ हानिकर भी हो सकता है, सो हो भी है। बात तो आपा और औषधियों की ही की है ना, प्रकृति की बात की है, बिल्कुल सही है। धन्यवाद। जी, तो आज के सत्र को समापन करें, ठीक है। कल प्रातःकाल हम लोगों को साप्ताहिक सत्र में मिलना ही है, तो यदि और कोई प्रश्न आदि होगा तो कल विचार कर लिया जाएगा। तो कल प्रातः 11 बजे हम लोग विशेष साप्ताहिक सत्र में मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। हाँ एक बात, नमस्ते जी, सुन लीजिए, एक बात कहना था, आप लोग अच्छा वेद पाठ कर रहे हैं, ये अच्छा लगा, कहना चाह रहे थे उस समय, फिर विस्मरण हो गया, अभी ध्यान आ गया। तो हम लोगों ने पुलकित जी से थोड़ी बात हुई है और भी लोगों से होती रहती है, वेदाष्टक को या किसी भी वेद सूक्त को आप लोग प्रयास करें कुछ अच्छे संगीत में सुर में इसे गा दें, उसका वीडियो बना दें, कहीं ना कहीं एक भावना है, जैसे बहुत से गीत आदि लोग कर देते हैं, बहुत
लोकप्रिय हो जाते हैं, उसकी चर्चा होती है, तो क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि आप लोग बहुत अच्छे पाठ कर रहे हैं, बहुत लोग, तो सब लोग प्रयास करें वेदाष्टक को, शिव संकल्प को, हिरणगर्भ को, जो भी सूक्त आप लोगों को लगे अच्छा लगे कि इसे हम कर सकते हैं, तो उसको इस प्रकार से संगीतमय गायन करें, उसको हम लोग वीडियो बना करके अपने चैनलों पर डालें और भी सोशल मीडिया में उसका प्रचार प्रसार करें, तो कुछ वेद सूक्त भी इसी प्रकार से वायरल हो, जैसे अन्य कुछ लोगों की गीता जो वायरल हो रहे हैं, आप हमारा संकेत समझ रहे होंगे, तो प्रयास करें आप लोग, शशि जी, आरती जी और लोग जो भी कर रहे हैं, तो अच्छा हो सकता है। ठीक है जी, अवश्य प्रयास करेंगे जी। तो कल हम लोग प्रातः काल 11 बजे जब मिलेंगे, तो इस पर भी कुछ और जिसको जो कुछ कहना होगा, कुछ तैयारी होगी, एक दूसरे से संपर्क सहयोग करके इसको अच्छा बनाने का प्रयास हम लोग करें। ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं प्रातः 11 बजे, कल पुनः मिलेंगे। ओम खम ब्रह्म। ओम।